सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने कुछ नहीं देखा। पर एक सेकंड, गुनगुन कमोड पे खड़े होकर पेशाब क्यों कर रही है? कुछ तो गड़बड़ है, दानिश तो गया। देखो ना आकाश, प्लीज आकाश, दानिश को ना इसके बारे में कुछ भी मत बताना। वो तुम टेंशन मत लो, मैं दानिश को कुछ भी नहीं बताऊंगा। अगर उसको पता चलेगा बेचारे को बुरा लगेगा ना। और वैसे भी तुम बस मेरा काम कर दो, जो हर एक मर्द की जरूरत होती है। मुझे भी तुमसे बस वही चाहिए, इससे तुम्हारा झूठ भी छुप जाएगा और मेरा काम भी चल जाएगा। पक्का ना उसको कुछ नहीं बताओगे तुम? अरे नहीं नहीं, तुम उसकी टेंशन मत लो, ये बात किसी को पता नहीं चलेगी। बस तुम मेरा ये काम कर दो। और रही बात दानिश की, दानिश को ना कुछ पता नहीं चलेगा। अरे कौन किसको क्या नहीं बताएगा? हाँ अरे कुछ नहीं दानिश भाई, वो ना घूमने का प्लान बना रहे थे, तो गुनगुन बोली सारे पैसे मैं दूंगी, तो मैंने उसको बोला नहीं सारे पैसे मैं दूंगा, और ये बात दानिश को पता नहीं चलनी चाहिए। चलो तुम दोनों बात करो, मैं जरा वॉशरूम होके आता हूँ। अरे क्या सोचा तुमने हमारे बारे में? आकाश मेरी बात समझने की कोशिश करो। देखो मुझे जो समझना था मैं समझ चुका, अब तुम समझो। इस चीज़ में ना दोनों का ही फायदा है। आकाश मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। तुम कंफर्टेबल नहीं हो इस चीज़ में, तो मैं जा रहा हूँ दानिश के पास उसको सब चीज़ बताने के लिए। दानिश दानिश, मुझे कुछ बात करनी तेरी गर्लफ्रेंड के लिए। अरे मेरी बात तो सुनो। दानिश तुझे पता है तेरी गर्लफ्रेंड ना तुझसे राज छुपा रही है। राज? कैसा राज? अरे वो नेक्स्ट मंथ तेरा बर्थडे है ना, तो उसके लिए ना इसने 1.5 लाख का लॉन्च बुक किया है, और मैं इसको मना कर रहा हूँ। कितनी महंगी पार्टी का फायदा क्या यार? गुनगुन पागल हो गया, 1.5 लाख का लॉन्च का क्या करेंगे? एक काम करो, तुम उस पैसे को ना सेविंग में डाल दो, जो हमारे फ्यूचर में काम भी आएगी। और चल भाई ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं, चलते हैं हम लोग, ठीक है? अरे नहीं नहीं भाई, तू निकल, मैं भी थोड़ी देर में आता हूँ, मुझे कुछ काम है। चल ठीक है, चल ठीक है भाई, ठीक है। यार देख, अगर तुझे बताना होता ना तो तू कब का बता देती, और मन तो वैसे तेरा भी है, तो देख आज तो घर पे कोई है भी नहीं, तो क्यों ना इस मौके का फायदा उठाया जाए। दूर हटो मुझसे। दानिश भाई तुम तो ऑफिस चले गए थे ना, तुम यहाँ कैसे? साले गद्दार भाई, ये तुझसे राज छुपा रही है। साले मुझे पहले से पता है इसके बारे में, और तेरी नीयत के बारे में भी। तू क्या सोचता है इसके बारे में, क्या नहीं सोचता है? और ये सब जो हुआ है ना, वो हम लोग का सोचा हुआ साजिश था, ताकि तू इस जाल में फंस जाए और तेरी असलियत सामने आ जाए। तू साले दोस्त नहीं, गद्दार है, गद्दार। प्लीज मुझे माफ कर दे यार, आज वो ऐसी गलती कभी नहीं होगी भाई। अगर तुझे मैं आज माफ कर दिया ना, तो ये गलती तू फिर दोहराएगा। साले तू इंसान नहीं, जानवर है, जानवर। और जानवर की सजा ना पुलिस स्टेशन में है। चल साले तू।